हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पटेल और आप देख रहे हैं होम्यो मैजिक चैनल। होम्यो मैजिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, आज एक और नया दिन, एक और नया टॉपिक। आज का टॉपिक है जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए एक लोशन तैयार करना, वो भी होम्योपैथिक मदर टिंचर द्वारा। क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत से लोग स्किन प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, जैसे कि उनको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या सोराइसिस हो जाता है, ये छोटे छोटे फोड़े और फुंसियाँ हो जाती हैं जिनमें से पस निकलने लगता है और काफ़ी ज़्यादा खुजली होती है, इचिंग होती है और उनके स्किन पे काफ़ी ज़्यादा स्पॉट्स बन जाते हैं, काले रंग के भद्देदार, जो कि बहुत देखने में काफ़ी ज़्यादा बेकार भी लगते हैं। हर प्रकार के स्किन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा असरकारक लोशन है और जिसको मैं अभी आपसे आगे चल के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ और उसको कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिना स्किप किए। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मेडिसिन के बारे में समझते हैं कि इसमें से आपको कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी इस लोशन के लिए और आपकी स्किन के लिए। स्किन लोशन में यूज़ होने वाली अपनी सबसे पहली मेडिसिन आती है इचिनेसिया क्यू। यह एक मदर टिंचर है और यह मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है स्किन्स के लिए। तो फ्रेंड्स, सब जानते हैं कि यह स्किन्स के लिए क्यों यूज़फुल होती है। क्या होता है फ्रेंड्स, जो अपनी स्किन होती है उसमें ना बहुत सी जगह कट फट जाते हैं या पिम्पल्स हो जाते हैं या कोई ऐसा स्किन प्रॉब्लम हो जाती है जैसे सोराइसिस या फंगल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से स्किन में काफ़ी ज़्यादा अपन को प्रॉब्लम होती है, इचिंग होती है। उस कंडीशंस में ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं आपकी स्किन्स के लिए। तो फ्रेंड्स, अब अपनी दूसरी मेडिसिन आती है सल्फर क्यू। यह भी एक मदर टिंचर है और ये मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं आपकी स्किन्स के लिए, चर्म रोग के लिए। यह भी आपके लोशन में डलने वाली दूसरी मेडिसिन है। अगर ये मेडिसिन आपकी स्किन्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रखती है और हर तरह की जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उन सबसे ये बचाती है और ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है आपकी स्किन्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आपके लोशन में ऐड होने वाली तीसरी मेडिसिन आती है कैलेंडुला क्यू। यह मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है आपकी स्किन्स के लिए। अगर आपकी स्किन्स कटी फटी हो या फोड़े फुंसी हो गए या काफ़ी ज़्यादा घाव बन जाते हैं जिसमें से काफ़ी ज़्यादा पस निकलती है, बदबूदार गंध आती है और आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है जिसकी वजह से जो घाव रहते हैं वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाते हैं, या ऐसी जगह जिसमें से घाव काफ़ी ज़्यादा पुराना हो जाता है और ठीक नहीं हो पाता है, उस कंडीशंस में आपको इस मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है आपकी स्किन से रिलेटेड के लिए। तो फ्रेंड्स, हम अपनी लोशन में ऐड होने वाली लास्ट मेडिसिन आती है बर्बरी सेक्कीफोलियम क्यू। यह भी एक मदर टिंचर है और बेसिकली बहुत से लोगों को पता है कि यह मदर टिंचर किस यूजेस में आता है। क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपकी बॉडी में छोटे छोटे पिंपल्स हो जाते हैं, इरेप्शंस हो जाते हैं, ये फोड़े फुंसियाँ जिसे अपन कहते हैं, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा पस निकलता है, कीले निकलती हैं, एज वेल एज़ छोटी छोटी फुंसियाँ जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती हैं जिनमें से पस निकलता है और फूटने पे उनके घाव भी बन जाते हैं, उस कंडीशंस में ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो फ्रेंड्स, ये चारों मेडिसिन आपके लोशन में ऐड होने वाली हैं और इन चारों मेडिसिन को कैसे ऐड करना है अब इसके बारे में जानते हैं और इस लोशन को कैसे यूज़ करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि ये लोशन कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको ये चारों मेडिसिन इक्वल क्वांटिटी में लेनी है, 15 ml। जहाँ से भी आप ये मेडिसिन खरीदेंगे होम्योपैथिक शॉप से, उनसे बोलिएगा कि हमें चारों मेडिसिन 15 ml में दे दीजिए। आपको 100 ml की ब्लैंक फाइल भी उनसे ले लेनी है, वो भी खाली। अभी आप सोचे होंगे कि मैंने आपसे ये ब्लैंक फाइल लेने के लिए क्यों बोला है। जब भी आप 100 ml की जो खाली सीसी लेंगे उसमें आपको इस लोशन को बना के तैयार करना है और इसके साथ में आपको कोकोनट ऑयल मतलब कि नारियल का तेल भी लेना है, वो भी 50 ml, जिससे कि आप इस लोशन को पूरी तरह तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आप होम्योपैथिक शॉप से खाली सीसी लाए थे 100 ml की, उस सीसी में इन चारों मेडिसिन को इक्वल क्वान्टिटी में मिला लेना है। और जो आप कोकोनट ऑयल लाए थे तो जो आपकी ये चारों मेडिसिन से वो इक्वल क्वांटिटी में जैसे आप मिलाएंगे तो 15 × 4 = 60 मतलब कि 60 ml ये हो जाएंगे आपकी, और 40 ml आपको कोकोनट ऑयल उसमें ऐड करना है, उसको अच्छे से शेक करना है, मिला लेना है और 100 ml की जो सीसी है आपकी खाली वाली उसमें इसको भर के रख लेना है। तो फ्रेंड्स, जो आपका लोशन है वो पूरी तरह बन के तैयार हो जाता है। अब आपको इसको यूज़ कैसे करना है, आप नहाने के बाद में कभी भी
इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको नॉर्मली आपको हाथों पे लेके जिस जगह पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या ओवरऑल बॉडी में आप इसको लगा सकते हैं। इसको लगाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी आपके पिंपल्स हैं या स्किन प्रॉब्लम्स है, जैसे कि सोराइसिस है या फंगल इन्फेक्शन है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती है, खुजली होती है या आपको जलन टाइप की होती है, उस जगह पे ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इसको आपको दिन में कम से कम 2 से 3 बार यूज़ करना है, तो उससे आपकी जो भी स्किन प्रॉब्लम है वो 10 से 12 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और जो भी आपकी बॉडी में छोटे छोटे पिंपल्स होते हैं या घाव बन जाते हैं या जिनमें से काफ़ी ज़्यादा पस निकलती है, वो भी इससे आपके एकदम ठीक हो जाएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, ये था आपका स्किन से रिलेटेड लोशंस। अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा आपकी स्किन के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसके अलावा और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और ये मेडिसिन आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर ईजिली मिल जाएगी, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं या इसके अलावा आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। और ये मेडिसिन यूज़ करने से पहले एक बार अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद में ही यूज़ करें। और ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर करें जो स्किन प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। और तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय श्री राम।